नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य को डिस्कस कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में जो मराठा के प्रमुख छत्रपति हुए उनके सारे शासनकाल और सारे प्रमुख छत्रपतियों को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य का जो शासन प्रबंधन था उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेशवाओं के इतिहास को चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा के शासन प्रबंधन कैसा था उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो से यानी मराठा प्रबंधन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं दोस्तों और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और लास्ट में आज का जो प्रश्न रहता है उसका जवाब निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मराठा के शासन प्रबंधन के विषय में। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान, कौन सा अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत आठ मंत्रियों को नियुक्ति की जाती थी, यानी कि शासन को चलाने के लिए शिवाजी ने आठ मंत्री नियुक्त करते थे जिन्हें अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे कि अष्ट प्रधान शासन व्यवस्था किसके साम्राज्य काल में था तो हम लोग कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य में जो शासन प्रबंधन थी वो अष्ट प्रधान थी और शक्तियां आठ मंत्रियों के आठ प्रमुख मंत्रियों के हाथों में नियुक्त थी। तो वो आठ मंत्री कौन कौन से थे? ठीक है दोस्तों, तो पहला जो नंबर आता है वो पेशवा का आता है। पेशवा यानी कि राजा के प्रधानमंत्री या राजा का सबसे जो हेड मंत्री होते थे जिसके हाथों में राजा की मुख्य शक्तियां रहती थी वो राजा के पेशवा कहलाते थे या राजा के प्रधानमंत्री कहलाते थे और बाद में चलकर यही पेशवा का पद बहुत ही शक्तिशाली हो गया और छत्रपति का जो शक्ति है उसमें ह्रास हो गया और पेशवा का ही शासन मराठा साम्राज्य में साहू जी के बाद चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तो पहला मंत्री पद जो था वो पेशवा का पद था जो कि राजा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दूसरा जो मंत्री होते थे वो अमात्य होते थे या मजमूदार होते थे, कौन सा अमात्य मजमूदार, वो क्या देखते थे? तो वित्त एवं राजस्व मंत्री, यानी कि आज के डेट में हम लोग समझे तो इसको हम फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री के नाम से देख सकते हैं। तो वो अमात्य या मजमूदार क्या होते थे? वो वित्त और राजस्व विभाग को देखते थे, उसका दायित्व पूरे वित्त विभाग को संभालना होता था। तीसरा वकया नवीस या सिद्धि मंत्री, बकयानवीस या मंत्री, ये बकयानवीस क्या करते थे? तो राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखते थे वो, कि राजा का जो प्रमुख दिन भर का क्या कार्यवाही होना है, दरबार का क्या कार्यवाही होना है, उसका विवरण वो बकयानवीस रखते थे, इसको मंत्री भी कहा जाता था। इसके अलावा बकयानवीस के पास सूचना विभाग भी होता था और वो गुप्तचर विभाग को भी देखते थे। तो ये बहुत सारे प्रमुख पद बकयानवीस मंत्री के पास रहते थे। चौथा है सचिव या उसको सुरु नवीस भी कहते हैं या फिर चिटनीस भी कहते हैं दोस्तों, ये तीनों एक ही पद के, चिटनीस, सुरु नवीस या सचिव, ये क्या देखते थे? तो राजा के पत्र व्यवहार का जो कार्य है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्र को भेजना या दूसरे राज्य से पत्र आता था तो उसको कलेक्ट करना, राजकीय जो भी पत्र व्यवहार है उसका कार्य चिटनीस या सुरु नवीस जिसको सचिव भी कहते थे उसका ही काम था कि राज्य के पत्राचार विभाग को देखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सुमंत या दबीर, सुमंत या दबीर का क्या काम था? तो विदेश मंत्री का काम था, यानी कि विदेश मंत्रालय, आज के जो विदेश मंत्री होते थे सेम वही काम होते थे, एक अपना ऐसा रूल और रेगुलेशन बनाना जो दूसरे राज्यों से संबंध कैसे रखना है, किस राज्य से संबंध अच्छा रखना है, यानी कि दूसरे राज्यों से किस तरह से संपर्क रखना है, ये सारे काम ये सुमंत या दबीर का काम था, वही उस विभाग को देखते थे। नेक्स्ट है जो छठे नंबर पे आते हैं सेनापति या सारे नौबत, नामी से दोस्तों है कि सेनापति, तो यानी कि सेना का प्रमुख नियंत्रक वो रहते थे। अब सेना का प्रमुख नियंत्रक थे तो वो क्या क्या देखते थे? तो सेना में जो भर्ती होती थी उसका निरीक्षण उसी के द्वारा किया जाता था, सेनापति के द्वारा या नौबत के द्वारा। सेना का संगठन कैसे करना है उसका भी नियंत्रण उसी के हाथ में था। उसके बाद सेना के रसद का, मतलब भोजन पानी का व्यवस्था, कोई युद्ध पे गए तो सेना का रसद का व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था भी सेनापति या सरे नौबत ही देखते थे।
नेक्स्ट न्यायाधीश या न्यायाधीश जो होते थे वो मुख्य न्यायाधीश होते थे, जो कि न्याय विभाग अगर राज्य में कोई घटना हो रही है, कोई अराजकता हो रही है, किसी के साथ दुष्कर्म या अपराध हो रहा है, तो दोषियों को सजा देना न्यायाधीश का काम होता था, और वो काम न्यायाधीश या न्यायाध्यक्ष ही देखते थे, जो कि आज के डेट में भी वही है। जो आठवां पद होता था वो पंडित राव का होता था। पंडित राव मतलब उच्च पुजारी। उच्च पुजारी मतलब उस राज्य में जो धार्मिक कार्य होते थे ये सब का प्रमुख जो होते थे वो पंडित राव होते थे, जो कि विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का जो दायित्व होता था वो पंडित राव पे ही होता था, और किसी किसी भी केस में राजा का जो मुख्य सलाहकार हुआ करते थे वो पंडित राव ही होते थे, राजा मुख्य सलाह उनसे ही लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये अष्ट प्रधान जो शिवाजी द्वारा स्थापित था वो अष्टप्रधान शासन पद्धति, जो कि मुख्यतः हिंदू पे हिंदू धर्म पे आधारित शासन पद्धति था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये तो दोस्तों पोस्ट हो गया, पद हो गया, उसके अलावा जो शासन की पद्धति की बात करें तो शिवाजी जो शासन व्यवस्था रखे थे वो एक धर्मनिरपेक्ष शासन था। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता था, वो उसके पास स्वतंत्रता थी कि जो व्यक्ति अपने पसंद के धर्म को अपना सकता है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन भी शिवाजी का शासन पद्धति का या शिवाजी शासन का एक प्रमुख खासियत थी। उसके अलावा अगर सेना के विभाग का बात करें सैन्य विभाग का बात करें तो जो शिवाजी के सेना थे वो पहाड़ी प्रकृति के हिसाब से उसको बनाया जाता था, क्योंकि जो शिवाजी या मराठा का जो युद्ध पद्धति था वो छापामार पद्धति था, गोरिल्ला युद्ध पद्धति था, और उसी आधार पे सेना को वो संगठन करते थे, जिसमें वो हल्के घुड़सवार सेना, भारी घुड़सवार सेना को नहीं रख के हल्के घुड़सवार सेना को रखना पसंद करते थे। उनका जो तोप हथियार ये सब थे वो सब का जो मानक था वो यूरोपीय मानक के आधार पे तय किया जाता था, यानी कि हम ये कह सकते थे कि तोप का जो मानक रहते थे या हथियारों का जो मानक, बंदूक का मानक जो था वो यूरोप स्टैंडर्ड्स के होते थे। उसके अलावा शिवाजी ने या मराठा ने मजबूत नौसेना का भी निर्माण कराया, क्योंकि वे जानते थे कि आगे आने वाले जो भी युद्ध हो गए या जो आने वाले दिन हो गए वो उसमें नौसेना एक बहुत ही प्रमुख रोल अदा कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने मजबूत नौसेना का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा साम्राज्य के राजस्व सुधार के लिए, अगर राजस्व विभाग की बात करें तो उसमें सुधार के लिए पहले जागीरदारी प्रणाली थी, जिनको शिवाजी समाप्त करके रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू किया, और रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू किया, और उसके अलावा जो गैर मराठा क्षेत्र थे जिसको जो मराठा जीतते थे तो उस पर टैक्स लगाते थे, उसको टैक्स लगाते थे, और ये जो टैक्स होता था वो दो तरह के टैक्स होते थे, एक होता था चौथ और एक होता था सरदेश मुखी। तो चौथ में क्या होता था कि 1/4 टैक्स लगता था, किसी भी देश किसी भी राज्य जहां से वो चौथ यहां पे लगाते थे तो उनका जो 1/4 इनकम होता था वो मराठा को देते थे, और सरदेश मुखी जो होते थे तो उसमें 1/10 भाग, 1/10 भाग जो होता था वो मराठा को मिलता था। तो जो उसके बहुत करीबी राज्य होते थे जो गैर मराठा राज था उनसे तो सरदेश मुखी लेते थे, लेकिन जो उनके नजदीकी गैर मराठा राज्य नहीं होते थे उनसे वो चौथ यानी कि 1/4 भाग को टैक्स वसूल करते थे। तो ये थी मराठा के शासन प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से 1 से 2 बार देखें, आपको सारे जो पद हैं वो आपको याद हो जाएंगे, और इस मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इससे आपका जो क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में आप निश्चित रूप से इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये पेशवा का पद आगे बढ़ा और मराठा साम्राज्य के इतिहास में पेशवा का क्या क्या इतिहास रहा और कौन कौन से पेशवा आए जो कि मराठा साम्राज्य को नियंत्रित किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो पे आधारित आज के प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन रहा ये, तो आज का क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वो था ए पेशवा, बी सचिव, डी सी पंडित राव या डी सुमंत। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे पोस्टों का और उनके कार्य का नाम याद हो गया होगा, और इस क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।